सहोदर सहोदरी अरे 2018 के चुनाव के बाद पहले येदियुरप्पा जी और फिर बोम्मई जी को यहां डबल इंजन सरकार के विजन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ 3.5 साल ही मिले थे और 3.5 सालों में शुरू में तो बहुत समय उनका कूड़ा कचरा साफ करने में गया, गड्ढे भरने में गया। डबल इंजन की सरकार ने, कांग्रेस जेडीएस सरकार ने जो कुछ भी नुकसान किया था उसको भरपाई करने में भी उनकी ताकत शुरू में लग गई। सामान्य मानवी का जीवन आसान बनाना हो या फिर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कर्नाटक में नई गति आई है, तेज गति आई है। आज रोड, रेल से लेकर पोर्ट और एयरपोर्ट तक कर्नाटक में हजारों करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं, याद रखोगे? आवाज आए तो पता चले, जरा हाथ भर के बताइए, याद रखोगे? पक्का याद रखोगे? घर घर जाके लोगों को बताओगे? कांग्रेस जेडीएस सरकार के समय कर्नाटक में सालाना 30,000 करोड़ रुपए का आसपास विदेश से निवेश आता था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 30,000 करोड़ के आसपास आता था। कितना? जरा जोर से बोलिए, कितना आता था? कितना आता था? याद रहेगा 30,000 करोड़। डबल इंजन सरकार बनने के बाद भाजपा को आपने मौका दिया, भले हमें 3 साल मिले लेकिन 3 साल में 3 गुना बढ़कर सालाना लगभग 90,000 करोड़ रुपए हो गया। पहले कितना था, अब कितना हुआ? कर्नाटक का भला हुआ कि नहीं हुआ? कर्नाटक का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? नौजवानों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? रोजगार के अवसर बने कि नहीं बने? किसने किया, किसने किया? तो एक काम करने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? कर्नाटक को आगे बढ़ाने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? साथियों, ये इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी सरकार की पहली प्राथमिकता कर्नाटक का विकास है। बंधु भगिनी अरे, किसी भी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा किसी आपदा के समय ही होती है। बीते 3.5 वर्षों में दुनिया पर, देश पर, कर्नाटक पर पिछले 100 साल का सबसे बड़ा संकट आया, याद है ना? कोविड, कोरोना, 100 साल में ऐसी महामारी नहीं आई थी। ऐसी भयंकर महामारी में कर्नाटक को सफलतापूर्वक इस संकट से निकालने का काम किसने किया, किसने किया, किसने किया? अगर बीजेपी न होती तो क्या होता? आपने केरल का भी हाल देखा था और उस समय महाराष्ट्र का भी देखा था। हमने कर्नाटक के हर नागरिक को, हर क्षेत्र को
तेज गति से कोरोना का मुफ्त टीका लगवाया, वैक्सीनेशन करवाया। आप सबका वैक्सीनेशन हुआ था कि नहीं हुआ था? हाथ करिए, हुआ था कि नहीं हुआ था? आपको एक रुपया खर्चा हुआ क्या? किसी ने पैसा मांगा क्या? बीजेपी ने यह भी सुनिश्चित किया कि 100 साल में आए संकट में कोई गरीब भूखा न सोए, गरीब के घर में चूल्हा जलता रहना चाहिए। आज इस देश का हर नागरिक हमें आशीर्वाद दे रहा है, क्योंकि उसे पता है कि तब जो इतना बड़ा संकट आया था, दुनिया के बड़े बड़े महारथी देश अपने देश को संभाल नहीं पा रहे थे, तब दिल्ली में आपका एक ऐसा बेटा बैठा था जो हिंदुस्तान में किसी भी गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं देता था भाइयों। और इसलिए ये माताएं बहनें, उनके आशीर्वाद मुझे काम करने की ताकत देते थे। मैं अभी मंच पे आ रहा था, दो माताएं मुझे, बहुत बड़ी आयु की माताएं, वो यहां आकर के मुझे आशीर्वाद दे रही थी, इतना आशीर्वाद दे रही थी, मेरा हृदय भर आया, भावनाओं से भर आया। भाइयों बहनों, हम हर गरीब परिवार को आज भी मुफ्त राशन देते रहते हैं ताकि गरीब के घर में बच्चा भूखा न सो जाए दोस्तों। और इसी के कारण पूरा कर्नाटक कह रहा है, माताएं बहनें कह रही है, नौजवान कह रहा है, गांव का किसान कह रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा।